السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي برادر ثانك يو شاكرت باي ممنون سلامات اوكي سلامات ثانك يو بہت شکریہ بہت سارا کام ہو گیا ایک یونٹ دیا یہاں پہ میں نے رکھا تاکہ رات کو کھاؤں گا ماشاء اللہ اتنا لذیذ اور میٹھا ہے کیا بتاؤں میں آپ لوگوں کو جیسے ان کا پیار خلوص میٹھا ہے ویسے ہی یہ میٹھا ہے اچھا جی دوستو میں اس وقت مشہد سے تہران کی طرف جا رہا ہوں اور یہ ان کا ایک ہائی وے جو میں استعمال کرتا ہوا جا رہا ہوں اصل بات جو کرنے کی ہے وہ جس مقصد کے لیے میں رکا بھی ہوں صرف بتانے کے لیے کہ دیکھیں یہ سڑک جو ہے نا یہ ایک ہی جا رہی ہے یعنی کہ صرف اس کے اوپر جانے کا راستہ ہے واپسی آنے کا راستہ کدھر ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں واپسی آنے کا جو راستہ ہے جناب یعنی کہ جو ادھر سے راستہ آ رہا ہے وہ سڑک دیکھیں وہ گاڑی جا رہی ہے رہی آپ کو یہاں سے اور کوئی نہیں میرے خیال ہے ایک کلو میٹر دور تو ہے اور وہ ایک کلو میٹر دور جو ہے نا وہ سلسلہ کوئی چل رہا ہے تو پچھلے 50 کلو میٹر سے یہ سلسلہ ایسے جا رہا ہے کہ وہ جو آنے کا راستہ ہے وہ یہاں سے 1 کلو میٹر دور ہے اور بیچ میں سینٹر میں بہت ساری آبادیاں بھی آئی ہیں ایک دو علاقے بھی بیچ میں آئے ہیں اس کے علاوہ اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر آپ نے یہ ٹرن کر یہ ٹرن کا نشانہ بنا رہا ہے آپ کو وہاں سے پھر ایک سڑک جائے گی وہ اس روڈ کو جا کے کنیکٹ کرے گی اور وہاں سے واپسی آئے گی تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اللہ نہ کرے کسی کو کام پڑ جاتا ہے مثال کے طور پہ کسی گاڑی وہاں خراب ہو گئی ہے یہ کچھ ہو گیا ہے تو اگر آپ نے یہاں سے وہاں پیدل جانا ہے تو آپ کو تو سمجھو کام ہو گیا مجھے بار بار یہ سوال ستائی جا رہا ہے کہ کسی سے پوچھو ضرور کہ آیا اتنی دور دوسری سائڈ کو رکھنے کا کیا مقصد تھا اس کا جواب بھی لیں گے کسی سے جس کو کچھ آتا ہو اگر کسی کو یا وہ انگلش سمجھتا ہو یا سمجھ لیں تو سوال ضرور پوچھوں گا اتنی دور دوسرے ہائی وے کو رکھنے کا کیا مقصد ہے بھائی
हाँ क्या हाल है थैंक यू ईरान में हाईवे के ऊपर स्पीड लिमिट तो है लेकिन उस पर अमल कोई कोई करता है, जैसे कि अभी मैं 110 पे जा रहा हूँ, ये ट्राला 135 30 की स्पीड में मुझे क्रॉस करके जा रहा है, आप अंदाज़ा लगा लें। ये जी चुल्लू कीमा, इसमें कीमा है, 27 सुथराई का निज़ाम देखें, बाकी छोड़ें बोट जाए, वेरी गुड। इकबाल भाई अस्सलाम वालेकुम। इकबाल भाई मुझे ये बताएं आपके ट्रैवलिंग डेट्स के हैं अज़रबैजान के, तो टेंटेटिव डेट्स मुझे बताएं, वो मैं एप्लीकेशन लिख रहा हूँ आपकी, तो उसके अंदर वो डेट्स डालनी है। इकबाल भाई ये देखें ना ज़रा, ये मैसेज सुने ना, मुझे अपनी अज़रबैजान एंट्री और एग्ज़िट की कोई डेट्स बताएँ, वो मैं वो आपकी एप्लीकेशन लिख रहा हूँ और वो पोस्ट करनी है अज़रबैजान एम्बेसी, तो उसके अंदर वो टेंटेटिव डेट्स डालनी है कि वो किस डेट को आपको एंटर होने का प्लान है और कितने दिनों के लिए। इकबाल जी आसिफ भाई 25 जुलाई और 4 अगस्त को वापसी, यानी 25 और 4 ये समझ लो हो गए 9 दिन 10 दिन आप यूँ समझ लें, ठीक है ना भाई। आसिफ फजल चौधरी से मेरी बात हो रही थी व्हाट्सएप के ऊपर, और इनका ताल्लुक इस्लामाबाद शहर से है, ये डॉक्टर तारिक फजल चौधरी के छोटे भाई हैं। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी MNA हैं इस्लामाबाद के और वो मिनिस्टर भी रहे हैं। दूसरा ये है कि आसिफ फजल चौधरी जो हैं एक जीप रैली के ड्राइवर हैं और ए कैटेगरी के अंदर गाड़ी भगाते हैं, यानी कि अपनी जीप दौड़ाते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया आप लोगों को कि मेरी दो कम्युनिटियाँ हैं, एक जो है वो मेरी बाइकर कम्युनिटी है, दूसरी मेरी जीपर कम्युनिटी है। तो आसिफ फजल चौधरी मेरी बहुत हेल्प कर रहे हैं स्पेशली ईरान के अंदर, और दूसरा ये है कि अज़रबैजान एम्बेसी में एक लेटर हमने देना है, जो कि वो इस्लामाबाद में बैठ के वो मेरा काम कर रहे हैं और एम्बेसी को लेटर भेज रहे हैं मेरी तरफ से, ताकि मुझे क्रॉसिंग मिल जाए, यानी कि वहाँ से बॉर्डर की क्रॉसिंग मुझे मिल जाए। अज़रबैजान के दोनों बॉर्डर बंद हैं और वहाँ से किसी को क्रॉस नहीं करने देते। हाँ एक ऑप्शन है कि आप एम्बेसी को एक रिक्वेस्ट लेटर भेजना पड़ता है, वो अगर मान जाएं तो फिर वो आपको बॉर्डर से क्रॉसिंग दे सकते हैं, यानी उनके बॉर्डर से आप बाई रोड जा सकते हैं, वगरना आप नहीं जा सकते। अब ये क्या हो गया, लो जी मेरी बाइक के पीछे लोगों ने गाड़ियां खड़ी कर दी, बताओ ये हालत है। मुझे एक भाई साहब नजर आए हैं गाड़ी के अंदर सोए पड़े हैं, मैं अब इनको उठाऊँगा, मेहरबानी करें कुछ आप ही रास्ता बना दें ताकि मेरी गाड़ी आगे पीछे, यानी मेरी बाइक आगे पीछे करके यहाँ से निकल जाए। No,
वालेकुम अस्सलाम। आज गर्मी ज़्यादा है और काफ़ी देर बाइक चलाने के बाद मैंने कहा कि ना थोड़ा सा रेस्ट किया जाए। ये छप्पर को देख के मैं फिर यहाँ पे रुका और इसके साए में थोड़ा सा लंबा भी हुआ। और जैसे मैं यहाँ पे रुका और लंबा हुआ था तो यहाँ पे काफ़ी सारी गाड़ियाँ रुक रही थी, लेकिन रुकती दूर थी। इनके साथ फैमिलीज होती थी, बेचारे इस शेड के नीचे नहीं आते थे, मुझे देख के वो मतलब कि आगे दूर जा के रुकते थे। तो मुझे भी काफ़ी शर्म आ रही थी। इस गाड़ी वाले ने रुकते सबसे पहले मुझे बिस्किट वगैरह दिए, तो जो मैं अभी खा रहा था इसी के बिस्किट दिए हुए थे। तो मैंने कहा क्यों ना अपना सफ़र आगे तरफ कंटिन्यू करूं, ताकि मैं यहां से निकलूं और जो फैमिलीज़ वाले लोग हैं वो इस छप्पर के नीचे साए के नीचे बैठ के रेस्ट कर सकें। तो मैं इनकी वजह से मैं यहाँ से चला गया।
alaikum. Salam alaikum. Iran. 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 Salam alaikum. What's the name of this area? Here is Shoku. 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 There is the highest point.